फिर देखा क्या होगा। दूसरा है स्वरूप असिद्ध और तीसरा है व्याप्यत्व असिद्ध। आश्रय का मतलब है पक्ष, यह पक्ष क्या है तो पक्ष वृत्ति को ज्ञान क्या हेतु तो हो सकता है।
पहले तो ये पता होना चाहिए कि धुआं पर्वत पर है, तो पर्वत का ज्ञान होगा तभी तो धुआं का वहां ज्ञान होगा, है ना। अब पर्वत का ही ज्ञान अगर नहीं है तो पक्ष में वो रहता है, इसका ज्ञान कभी होगा? तो हमने हमें क्या चाहिए था सब हेतु के लिए? पक्ष व्यक्तित्व ज्ञान चाहिए था, चाहिए था ना कि वो पक्ष में रहता है, ये ज्ञान हमें चाहिए। सपक्ष व्यक्तित्व ज्ञान हमें चाहिए था कि जहां साध्य निश्चित है वहां भी उसके साथ रहता है, और विपक्ष में नहीं, जहां साध्य नहीं है वहां नहीं रहता है, इसमें हमें चाहिए था ना। इन सारे धर्मों के सहारे हमें सदहेतु चयन करना चाहिए, चुनना चाहिए। पहले स्टेप में ही आप गिर रहे हैं। पहला क्या है? पक्ष व्यक्तित्व। पक्ष व्यक्तित्व में पक्ष का ज्ञान होना जरूरी है नहीं? पक्ष का ज्ञान कैसे होगा? ये आप गगनार बिंदु आपने कह दिया, तो गगनार बिंदु तो किसी को पता ही नहीं, वो एक असिद्ध है, अज्ञात है, अननोन है, अनएस्टैब्लिश्ड है, समझ गए? इसलिए इस दोष का नाम है आश्रयासिद्धि, और ये हेतु है आश्रयासिद्ध, पक्षासिद्ध। इसको पक्षासिद्ध भी कहते हैं, इसका पक्ष ही असिद्ध है। बताया अब इसे भी बदलना है तुम्हें उसी रूप में,
इसको भी बुद्धिमान बना रहा है, शब्द गुणत्ववान चाक्षुषत्ववान आ गया उसमें उसी फॉर्म में, तो साध्य बताना क्या गुणत्व और हेतु बताना क्या चाक्षुषत्व और पक्ष बताना क्या ये शब्द है। अब कीजिए परीक्षा कीजिए व्याप्ति है नहीं, क्या करना है जहां जहां हेतु है वहां वहां साध्य है, देखिए ये करने से पहले क्या हेतु किया उसने, ये इसमें है शब्द शब्द तो कर्णेन्द्रिय से प्रत्यक्ष होता है ना, उसने कहा कि चक्षु जन्य प्रत्यक्ष का विषय चाक्षुष मतलब चक्षुर इंद्रिय जन्य, तो चक्षुर इंद्रिय जन्य ज्ञान विषय है उसमें, श्रवणेन्द्रिय ज्ञान विषय जन्य प्रश्न विषयता है ना उसमें। तो आपने जो हेतु दिया तो
उसका स्वरूप ही सिद्ध नहीं होता, किसी को पता नहीं। किसी को पता है कि आंखों से हम शब्द सुनते हैं, तो शब्द तो गुण है, सही है, लेकिन क्यों गुण है आप कह रहे हैं? क्योंकि हम इसे आंखों से सुनते हैं। तो आंखों से जो ये क्या, आंखों से जो प्रत्यक्ष ज्ञान होगा उसका विषय बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो हेतु का जो स्वरूप है वो स्वरूप ही ज्ञात नहीं है किसी को, स्वरूप सिद्ध है। मतलब हेतु का जो स्वरूप आपने बनाया वो ही ज्ञान नहीं है किसी को, असंभव है। तो अगर वो ज्ञान नहीं है तो पक्ष वृत्तित्व तो नहीं, खत्म। पक्ष क्या है? शब्द। वहां ये चातुर्शत तो रह सकता है, यही गलत है। तो पक्ष वृत्तित्व आप कहां से आएगा इसमें? सदहेतु हो गया। सदहेतु के लिए हमें पक्ष वृत्तित्व चाहिए, सपक्ष वृत्तित्व चाहिए, विपक्ष अवृत्तित्व चाहिए, ये सब चाहिए ना। हेतु जो आपने हेतु का इस्तेमाल किया, प्रयोग किया, वो हेतु का स्वरूप ही किसी को ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान नहीं है तो वो शब्द में कैसे रह सकता है? अगर शब्द में नहीं है, पक्ष का पक्ष में नहीं है, अगर पक्ष में नहीं है तो उस पक्ष में साध्य की सिद्धि कैसे कर सकता है? वो हेतु नहीं कर सकता। इसलिए इस तरह का जो हेतु तो आभास है, दुष्ट हेतु है, उसको हम कहते हैं स्वरूप। हेतु के स्वरूप की ही असिद्धि है, अज्ञान है। स्वरूपा सिद्धो यथा शब्दों गुण चाक्षुषत्व अत्र चाक्षुषत्वम शब्दे नास्ति। चाक्षुषत्व है वो शब्द में नहीं रहता, श्रावणत्व तो रहेगा लेकिन चाक्षुषत्व नहीं रहता, क्योंकि आंखों से हम नहीं सुनते हैं शब्द, तो ये नहीं हो सकता। अब जो है, अब जरा कसरत है, अब आपको 500% कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। समय हमारे पास कुछ है, करते हैं प्रारंभ, करते हैं जितना हो सके आगे बढ़े। अब तीसरा व्याप के अनुवाद, इसमें से कुछ भाग्य वाले हैं या है रहेंगे? 10 मिनट तो रख दो, तुम 10 मिनट नहीं बताओ। मैं अपने समझ गया हूं तुम्हारी दिक्कत, इसलिए मैं कह रहा हूं। किसी को जाना है? कोई कोई दस मिनट टाइम में कोई संख्या नाम हो चाहिए तो आवाज इधर आ। थोड़ा सा कठिन है इसको समझाने में, थोड़ा समय लगेगा मुझे। तुम रह सकती हो? और सब, और सबके लिए ठीक है? दूसरे जो है तो 10 मिनट रुक सकते हैं, ठीक है? तो 10 मिनट पढ़ते हैं, तुम जा सकते हो जहाँ जाओ। लेकिन देखो ये मैं, ये मेरा इसके स्वभाव के विरुद्ध है, लेकिन फिर भी आज आज तुम्हारी स्थिति को देख करके हम लोग कह रहे हैं जा सकते हो। बाद में सुन लेना, सबको समझ लेना, तो दूसरों से जा सकते हो। सोपाधिका व्याख्यात्व से जो है वो उस हेतु को कहते हैं जिस हेतु में समाधि है, जो हेतु उपाधि के साथ है। उपाधि के साथ मतलब सो उपाधि, सब उपाधि उपाधि
वहां देखा है हेतु व्याप्त उपवास था। एक उपाधि के कारण कोई हेतु व्याप्त उपवास सिद्ध हेतु कहलाता है। अब इसके पहले मैं उदाहरण ही में चले जाता हूं। मैंने बताया था कि कुछ हमने देखा कि कुछ हेतु ऐसा है कि जिसमें अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति दोनों दिखा सकते हैं। जिस हेतु मतलब जहां सपक्ष भी है विपक्ष भी है, सपक्ष में भी हेतु रहता है और विपक्ष में नहीं रहता है। जैसे पर्वतो बंधिमान दूरवत्वा है ना, तो वहां एक साथ यहां रहता है धूम और ये धूम की जगह है और बन्नी की जगह पूरी सर्कल बड़ा सर्कल। तो यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र बन्नी, ये पूरा कवर हो गया अन्वय। तो अन्वय व्याप्ति है धूम में, व्यतिरेक व्याप्ति भी है। कैसे कि जहां अग्नि नहीं है वहां धूम भी नहीं है, तो दोनों है उसमें। इसलिए धूम जो है उसको हम क्या कहते हैं, अन्वय व्यतिरेकी हेतु कहते हैं। ठीक है, अब अगर उल्टा करें क्या होगा। अब हम जानना चाहते हैं क्या हुआ कि गलती से कुछ गलती हो गई, हमें पता चलेगा कि किसी ने कह के दिया कि पर्वत बन्नी और कह दिया कि बन्नी हुआ, ये हेतु दे दिया। मतलब बन्नी के ज्ञान से
बात समझ में आया, आ रही है ना? इसलिए ये अनुमान गलत है। अब इसमें दोष क्या है ये हम बताने वाले हैं। क्यों ये जो बननी है ये इसमें ये क्यों दुष्ट हेतु हो गया, सद हेतु क्यों नहीं है, इसको हम बताने वाले हैं। कहते हैं इसमें एक दोष है, वो दोष का नाम है व्याप्यत्वा सिद्धि दोष, और ये हेतु हो गया व्याप्यत्वा सिद्ध, वो दो जगह है वो। अब व्याप्यत्वा सिद्धि क्या है, तो कह दिया सोपाधिक है, यहां कोई उपाधि है और इस उपाधि के कारण ये बननी सद हेतु नहीं बन पाता है। उस दोष की चर्चा हम करेंगे। अरे बात सुन, तो पहला असिद्धि जो था वो क्या था, आश्रय असिद्धि, पक्षासिद्धि। दूसरा जो दोष था असिद्धि का वो क्या था, स्वरूप असिद्धि। जिस रूप में हेतु को रखना चाहते हो वो हेतु ही अज्ञान है, उसका स्वरूप ही अज्ञान है। शब्द कभी आंखों से सुना नहीं जा सकता, तुम कह रहे हो क्योंकि ये आंखों से सुना जा रहा है, तो हेतु का स्वरूप ही अज्ञान है। पहले में गगनार अरिंद ही अज्ञान है, पक्ष ही अज्ञान है, इसलिए वो आश्रय असिद्ध है, ये स्वरूप असिद्ध है। और तीसरा जो है सिद्ध वो व्याप्तित्व असिद्ध है, मतलब यहां व्याप्ति नहीं होते हुए भी व्याप्ति का भान हो रहा है, इस अनुमान रहा है ना। इसलिए तो तुम कह रहे हो बन्नी मत्वा, लेकिन ये व्याप्ति दोष है, मतलब किसी गलती के कारण बन्नी में व्याप्ति का ज्ञान हो रहा है। वो गलती क्या है, वो दोष क्या है, वो उपाधि है। वो उपाधि क्या है, उसकी परिभाषा क्या होगी, उसको हम कैसे समझें, इसकी चर्चा ये भूमिका है। तो कल मैं सब पूरा दोहराऊंगा नहीं, यहां से प्रारंभ करूं, ठीक है कि ये भी गलत अनुमान है। ये हेतु बनने हेतु असद हेतु साफ है, मैंने देखा हमने कि जहां जहां क्या होना चाहिए, जहां जहां हेतु है वहां वहां साध्य है, ये होना चाहिए ना। हेतु क्या है, बननी है, तो जहां जहां बननी है वहां वहां गुण है नहीं है, तो ये असद हेतु है, साफ है। अब ये असद हेतु कैसे बन गया, क्यों बना, इसका वर्णन हम करने वाले नहीं यही करने वाले, ठीक है। एक और उदाहरण देके रखता हूं, इस पर जरा सोचना। इस एक स्फटिक है, स्फटिक और एक पूल है, लाल पूल है, तो उस लाल पूल को अगर स्फटिक के पास ही रख दो तो स्फटिक तो सफेद है ना, उसमें वो लाल रंग दिखाई देने, तो लाल रंग तो स्फटिक का नहीं है, लेकिन ये लाल रंग उसने दिखाई देने लग गया, क्यों, उसका संबंध लाल रंग के पूल के साथ आ गया है। तो ये बन्नी जो है, बन्नी में व्याप्ति नहीं है, व्याप्ति कहीं और है, लेकिन उसके संबंध संपर्क में आने के कारण वो व्याप्ति जैसे लाल रंग प्रतिभासित है स्फटिक में, उसी तरह वो में वो व्याप्ति कहीं और है, वो व्याप्ति यहां प्रतिभाषित हो गई, इसलिए किसी ने इस्तेमाल कर दिया कि यहां धुआं है क्योंकि यहां है। वास्तविक यहां ये गलत है क्योंकि ये इसमें उपाधि है, तो उपाधि मतलब वो दोष है, रंग वाला वो रंग है आ गया, वो रंग कहां रहता था, पूल में,
स्कूल में जो कोर्स का आधार है लेकिन प्रतिभाषित हो रहा है ये, इसलिए ये असर है। तो इसको इसको ध्यान में रखते हुए हम इस केस को अच्छी तरह समझेंगे, लेकिन उनके पारिभाषिक जो लक्षण उन्होंने बनाया है उसको समझने के लिए थोड़ा सा अभ्यास करें।